6-7 दिन से पेट में दर्द हो रहा था। अस्पताल में भर्ती करवाया और अल्ट्रासाउंड करवाया तो 5 mm की पथरी आई। इन्होंने विश्व अमरदेव जी से प्रार्थना करवाई और उसके बाद रिपोर्ट करवाई और वो रिपोर्ट नॉर्मल आई। पर विश्व मस्त का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की, पापा के जी को जय मसीह की। मेरे पेट में बहुत दिनों से दर्द हो रहा था, 5-6 दिनों से। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पथरी बताई, फिर मैंने पापा जी से प्रेयर करवाई, फिर अल्ट्रासाउंड कराया, फिर उसमें गायब थी। मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धर्मी बात, बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं, लेकिन यहोवा उन सबों से बचाता है। तो ये पहले वाली है, ये पहले वाली है, जो सरकारी अस्पताल की है ना। हाँ जी। तो इसको दिखाइएगा, अगर आप दिखा सके तो। पांच एमएम की, पांच एमएम की पथरी आई, दर्द हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा दर्द होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था मेरे पेट। हालेलुया, तो 5-7 दिन से पेट में बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा दर्द होता था। तो सरकारी हॉस्पिटल में आपको एडमिट कराया। हाँ जी। तो ये अल्ट्रासाउंड है जिसमें 5 एमएम की जो है वो पथरी है। ये 26 तारीख का ना, इसी 26 का। हाँ जी, इसी 26। 26 5 का है, 5वें महीने का 26 का है। नजर आ रहा है? ओके, ठीक है। और उसके बाद ये 26 का है और ये 29 का है। हाँ जी। तो इसमें तो नहीं है, ये 29 का है। ये डेट आप देखिएगा, ये भी मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना यानी कि सरकारी हॉस्पिटल का है और इसमें 29 को उसमें जो है वो पथरी नहीं है, नॉर्मल। 26 वाले में है, 26 वाले में पथरी है और 29 वाले में पथरी नहीं है। इसका मतलब 26 वाले में है तो 27-28 दो दिन छोड़कर ये किया गया है, तो इसमें पथरी नहीं है। और फिर आपने बाहर से क्यों करवाया? डॉक्टर ने बोला था। ओके, डॉक्टर ने बोला था बाहर से करवाओ। बाहर से तो डॉक्टर ने बोला भैया ऐसे कैसे हो गया, तो आप ऐसा करो एक बार बाहर से भी करवा लो अल्ट्रासाउंड। तो फिर ये बाहर से करवाया है ना, प्राइवेट करवाया ये। तो इसमें जो है रिपोर्ट नॉर्मल आई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अच्छा, तो ये आपने 30 तारीख को कराया, इसके एक दिन बाद ये करवाया। ओके, चेक करने के लिए। हाँ जी, वो बोल रहे हैं अभी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है कि भाई बाहर से करवा के लेके आओ। तो पहले वाले में है, दो दिन के बाद वाले में पथरी नहीं है। प्रार्थना के बाद परमेश्वर जी ने चंगा किया और जो बाहर से अल्ट्रासाउंड कराया इसमें भी परमेश्वर मसीह जी ने चंगाई दी। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। चंद्रकांत 7 सालों से बीमार थे, इन्होंने रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट में काफी बीमारियां आई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला और 1.5 लाख लगेगा। संडे को चमत्कार सच में आए, विश्व जी से ले हैं, प्रार्थना करवाई, फिर रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। पूरी कलेशिया को जय मसीह की, पास्टर जी को जय मसीह की। तो मेरे पेट में बहुत दर्द था, 7 साल हो गए, तो डॉक्टर बहुत इलाज करवाया, बीकानेर, गंगानगर, तू लुधियाना, उत्तराखंड, अहमदाबाद, तो कुछ आराम नहीं आया। तो डॉक्टरों ने बोला कि
कैंसर भी बता दी, टीबी भी बता दी, आंत भी के अंदर गल चुकी है। तो डॉक्टरों ने बोला कि ऑपरेशन तो हम कर देंगे पर 1.5 लाख रुपए लगाकर, पर बचने की कोई गारंटी नहीं लेंगे हम। अच्छा, ऑपरेशन कर देंगे लेकिन गारंटी नहीं लेंगे, बचने की गारंटी नहीं है। तो फिर हमारे पास पहले तो हम विजयनगर रहते थे, अब मिर्ची वाला रह रहे हैं। तो साथ में किसी के घर पर कोई संगत चल रही थी, तो मेरे भाई ने बोला का हम वहाँ चलते हैं का कुछ, वो किसी पर विश्वास नहीं करता था, वहाँ आया तो उन्हें विश्वास पूरा, फिर मुझे यहाँ गंगानगर लेके आया। तो यहाँ से मैं प्रार्थना करवाई, अब 1 साल हो गया पूरी तरह ठीक हूँ मैं, पूरी तरह से ठीक हूँ। तो हर महीने इंजेक्शन लगता था 1000 रुपये का दर्द का, तो भी ठीक नहीं, अब कोई इंजेक्शन नहीं लग रहा, ना कोई दवाई नहीं चल रही। हर महीने इंजेक्शन लगता था 1000 का। ओके, आप बिल्कुल ठीक हो। हां जी, किसने चंगा किया? आपने, प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह जी ने, प्रभु यीशु मसीह ने। तो जो ये जो आप बीमारियां कह रहे हैं, रिपोर्टों में ये बीमारियां आई हैं? हां जी, जो रिपोर्ट करवाते थे फिर ये बीमारी आ रही थी? हां जी, रिपोर्टें भी बहुत करवाई, 3-3, 4-4 बार सीटी स्कैन करवा लिए, बहुत जांचा करवाई, एक गट्टा भर लिया जांचों का, देख एक गट्टा, हां जी, जांचों का भर लिया, जांचों का सर, जांच करवा कर एक गट्टा भर गया, गट्टा भर लिया। फिर अब इससे छोटी उसकी शादी कर दी मैंने, जिसके वजन 22 साल की लड़की, 20 किलो वजन रह गया इसका, 20 किलो वजन रह गया था, 20 किलो वजन रह गया था। हाँ जी, अच्छा, नाम जपता में आए और परमात्मा प्रार्थना सुनी और प्रार्थना करवाई, तब इसके सही हुई है। तब विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं। 20 किलो वजन रह गया था, पर विश्व मसीह ने अद्भुत काम किया। कहते हैं गट्टा, एक बोरी होती है, एक गट्टा होता है, बोरी से छोटा गट्टा, गट्टा भर गया रिपोर्टें करवा कर। पर विश्व मसीह का धन्यवाद करें, इतनी सारी बीमारियों से विश्व मसीह जी ने चंगा किया, पर विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं। मेरी एक और गुहाई है, पापा जी मैं पेंटर का काम करते हैं, तो काम नहीं आ रहा था, अगले संडे को प्रार्थना करवाई तो उनका खुद का काम मिल गया। पेंटर का काम करते हैं, काम नहीं मिल रहा था, और इस संडे को पिछले संडे चमत्कार चर्च में आकर प्रार्थना करवाई और परमेश्वर जी ने ब्लेस कर दिया, काम को ब्लेस किया। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। बिशप जी को प्रेज द लॉर्ड, और यहाँ पर सबको प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरा नाम एलिस है और मैं दिल्ली से हूँ। अभी जब यहाँ पे प्रेयर हो रही थी तो बिशप जी पीछे आए और उन्होंने हाथ रखा, और जैसे उन्होंने मेरे पे हाथ रखा, मुझे टंग्स का, मुझे अन्य भाषा का मुझे वरदान मिला। इसलिए थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबसे बड़ी गवाही, अभी जब हाथ रखा गया इसके सिर पे, अन्य भाषा का वरदान मिला, स्वर्गीय भाषा का वरदान मिला। आप लोगों को खुशी नहीं हुई? विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं। आपकी मम्मी को भी कोई प्रॉब्लम थी पहले शुरू में? हाँ, क्या था? उनको हार्ट का इश्यूज था। तो फिर अभी तो मतलब जब उनको हार्ट का इश्यू था, फिर मतलब मम्मी का ये था कि नहीं, अगर मतलब कहीं पे प्रभु की उपस्थिति है तो वो इसी चर्च में है, और वो लगातार लाइव यहाँ का देखती है, और हम लोग जब भी मौका मिलता है हम लोग दिल्ली से यहाँ पे आते हैं अटेंड करने के लिए। कितनी दुष्टात्मा थी? मैं सॉरी, मैं भूल गई, लेकिन 20 के आसपास मुझे याद है। जी, 22 मुझे आत्मा थी, 22 दुष्टात्मा थी इसकी मम्मी में, और हर बार उसको जो हार्ट की प्रॉब्लम खड़ी करती थी दुष्टात्मा, तो वो हॉस्पिटल से ही यहाँ उसके बाद आए थे, और परमेश्वर जी ने उन्हें चंगा किया। परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं। सबसे खुशी की बात है कि परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान दिया।